आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है क्या? आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बताइए इसे। देखिए यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बदायूं से शिवपाल यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। सभी दल चुनाव तैयारियों में जुटे हैं, जगह जगह रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी और विपक्ष दोनों ने ही बड़े दावे कर दिए हैं। इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने में लगा है, तो वही एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहा है। इन सबके बीच लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी लगभग हो चुका है। कुछ सीटों पर प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद भी तमाम पार्टियां उन सीटों पर प्रत्याशी बदल रही हैं, जिसमें सपा ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। यानी कि जिन जिन सीटों पर पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, उसके बाद उन सीटों पर पार्टियों को प्रत्याशी बदलने पड़े। इन सब के बीच बदायूं लोकसभा सीट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बदायूं में समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब खबर है कि शिवपाल की जगह सपा आदित्य यादव को उतार सकती है। जी हाँ, बदायूं सीट चर्चाओं में बनी है। शिवपाल यादव से पहले अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन बाद में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। तो वही एक बार फिर से समाजवादी पार्टी इस सीट पर प्रत्याशी बदलने की तैयारी में लगी है। बता दें कि बदायूं के बबराला में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान यह मुद्दा उठा कि आदित्य यादव को प्रत्याशी बदायूं से बनाया जाए। मंच से ही नेताओं ने आदित्य यादव के नाम पर एक तरह से मुहर लगा दी। सपा विधायक राम खिलाड़ी ने शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव को प्रत्याशी घोषित करने की मांग रखी है। ये बात सुनकर मंच पर बैठे जो तमाम नेता थे वो मुस्कुरा दिए और अपनी हामी भर दी। मंच पर खुद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव के अलावा पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी मौजूद थे, वो भी शिवपाल के प्रचार में बदायूं पहुंचे थे, जिनके सामने आदित्य यादव के नाम की मुहर लगी। वहीं जब पत्रकारों ने शिवपाल यादव से सवाल किया कि क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बदायूं से, तो इस पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मुहर लगा दी आदित्य यादव के नाम पर, लेकिन इसका फैसला अखिलेश यादव को लेना है। क्या कुछ कहा है शिवपाल यादव ने आपको, सुनाते हैं जरा, आप सुनिए। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और समाजवादी पार्टी जीत रही है और समाजवादी पार्टी इतने सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। इस तरह से बदायूं में आप कैंपेन कर रहे थे, कल अचानक सूचना मिली कि कार्यकर्ताओं ने आदित्य के लिए मुहर लगाएंगे, क्यों ऐसा हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे थे और आदित्य भरोसा जता रहे? तुम लोग पढ़े लिखे लोग, वहां जनता ने जहां जहां गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग की करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। तो आप टिकट की क्या संभावना है, कब तक मिल जाएगी, कैसे फिर आप कहेंगे आदित्य को कितनी जीत कितने? अच्छा ये बताओ, अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है उसमें किसका नाम है? हाँ तो फिर तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है, तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, सो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी, रणनीति को रणनीति रहने दो। जैसे पीडीए के लिए चर्चा चल रही थी, समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं आपका ये गठन दल पल्लवी पटेल अब पीडीएम लेकर के आ गया। देखिए ये सब चीजें हैं, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं,
तो अभी जनता में तो ये है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी, तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। देखिए अभी चुनाव का रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। देखिए पुलिस के संरक्षण में जो हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, तिहाड़ जेल, मुख्यमंत्री ने, क्या लग रहा है आपको? देखिए विपक्ष के लोगों का सब जगह भारतीय जनता पार्टी शोषण कर रही है, झूठे मुकदमे लिखा लिखा करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, तो ये सब जनता समझ रही है, जनता देख रही है। और जब जब ऐसे घटनाएं हुई हैं, जनता ने ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंका है। तो शिवपाल यादव को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने तो मुहर लगा दिए, लेकिन असल मुहर अखिलेश यादव को लगानी है। सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव इस पर तैयार होंगे, वो मान जाएंगे कि चाचा शिवपाल की जगह अजित यादव को उतारा जाए? तो अब सभी की जो निगाहें हैं वो अखिलेश यादव के ऊपर टिकी है। बता दें कि सपा ने पहले बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनकी जगह शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेजा गया। 2019 में धर्मेंद्र यादव बदायूं से 20,000 से ज़्यादा मतों से हारे थे। कहा जा रहा था कि पिछला चुनाव देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया था और शिवपाल को मैदान में उतारा था। वहीं आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर धर्मेंद्र यादव ने बताया कि यह बात सही है कि कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़ें। चाचा शिवपाल यादव की भी इच्छा है कि आदित्य ही यहाँ से चुनाव लड़ें। हालांकि आखिरी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही लेंगे। क्या कुछ कहा है धर्मेंद्र यादव ने, वो भी आपको सुनाते हैं, जरा आप भी सुनिए। चाचा ने पहली बार मंच से ये कहा है कि यहाँ से चुनाव आदित्य यादव लड़ेंगे, इस पर आप मोहर लगाते हैं? बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। तो आगे क्या संभावनाएं हैं यहाँ को लेकर, बदायूं की जीत को लेकर क्या कहेंगे? जीतेगी पार्टी, ऐतिहासिक वोटों जीतेगी। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। भाजपा से कहो कि पुराने नारे पहले पूरे करें, पहले रोजगारों वाले नारे पूरे करें, पहले किसानों की आमदनी के नारे पूरे करें, पहले महंगाई कम करने के नारे जो दिए थे वो पूरे करें, उसके बाद नए नारे दें। जनता हर दिन नए नारे नहीं सुनना चाहती है, जनता काम देखना चाहती है। अंत में एक सवाल और, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे दिल्ली में? ये समाजवादी पार्टी क्या पूरे विपक्ष के खिलाफ बीजेपी के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन हर षड्यंत्र का जवाब जनता देगी। तो शिवपाल यादव को आपने सुना, धर्मेंद्र यादव को आपने सुना। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि शिवपाल यादव की इच्छा है कि उनके पुत्र आदित्य यादव चुनाव लड़ें। तो अब इंतजार है कि अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं। तो अब सभी की जो नजरें हैं ना, वो अखिलेश यादव पर टिकी है, उनके फैसले पर टिकी है। सभी को इंतजार है कि अखिलेश यादव बदायूं से क्या आदित्य यादव के नाम पर मोहर लगाते हैं। समाजवादी पार्टी, जी हाँ, एक बार फिर सियासी भंवर में है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर के बाद अब बदायूं में भी पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारने में दिक्कत आ रही। वैसे दिक्कत तो पहले दूर हो चुकी थी जब शिवपाल यादव को उतार दिया गया था धर्मेंद्र यादव की जगह, लेकिन एक बार फिर दिक्कत आ रही है जब से आदित्य यादव का नाम सामने आया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान अभी तो नहीं किया है, लेकिन एक इच्छा जाहिर की है कि उनके बेटे को उतारा जाए और पूरी तरीके से वो लगे भी हैं। प्रस्ताव भेज दिया गया है, अब अखिलेश यादव को उस पर अंतिम मोहर लगानी है। तो अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने के प्रस्ताव पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा है शिवपाल ने, इससे सियासी घमासान भी तेज हो गया है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद संगमित्रा मौर्य का टिकट काटते हुए अपने युवा और तेज सर्रार ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शक को चुनावी मैदान में उतारा है। दुर्विजय सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव से होना है, अगर वो प्रत्याशी सभा से रहते हैं तो। जी हाँ, अगर शिवपाल नहीं रहते हैं प्रत्याशी तो फिर उनका मुकाबला आदित्य यादव से होना है। अब इंतजार अखिलेश यादव के फैसले पर है। आप देखते रहिए 4 PM।